केंद्रीय मंत्री उमा भारती रविवार को ललितपुर पहुंची। यहां वह कल्याणपुरा गोवंश आश्रय स्थल में ODF सम्मान समारोह में शामिल हुई। साथ ही गौशाला के लिए जन सहयोग से आ रहे पैसे को लेकर उमा भारती ने कहा कि अगर हिंदू धर्म के नाते गाय को माँ मानता है तो मुस्लिम दूध के नाते गाय को माँ मानता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम धर्म में दूध पिलाने वाले का नाता बहुत बड़ा होता है। ललितपुर जिला में अगर ये क्रांति खड़ी हो गई और जिस प्रकार से बेग साहब ने भी आज पैसा दिया और मानवेंद्र जब बोल रहे थे DM तो वो कह रहे थे कि हिंदू समाज धर्म के नाते से गाय को बहुत मानता है, तो मैं ये बताऊं कि मुसलमानों में भी ये मान्यता है कि जो दूध पिलाता है उसको बहुत मानते हैं। इसलिए हिंदू अगर धर्म के नाते से गाय के लिए जान दे सकता है तो मुसलमान भी दूध के नाते से गाय के लिए जान दे सकता है और गाय के लिए दान दे सकता है, क्योंकि मुसलमान में इस्लाम में दूध का नाता बहुत बड़ा होता है और वो इतना बड़ा नाता माना जाता है कि दूध पिलाने वाली जो माँ है उसके कदमों में जन्नत बसती है, ऐसा मानते हैं। और अगर आपने कभी किसी मुसलमान गृहस्थ की तरफ नजर डाली हो तो मुस्लिम समुदाय के लोग माँ का बहुत सम्मान करते हैं और उसका कारण यही होता है, आप जितने भी मुस्लिम शायर हैं उनकी जीवनी पढ़िएगा तो माँ का नाम जरूर लेंगे, साहित्यकार हैं वो माँ का नाम जरूर लेंगे, खेल होगा क्रिकेटर होगा वो माँ का नाम जरूर लेगा कि मेरी अम्मी ने बहुत योगदान दिया, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि माँ के कदमों में जन्म लिए। गाय दूध पिलाती है तो धर्म के नाते से गाय हिंदू की माँ है और दूध के नाते से गाय मुसलमान की भी माँ है और यही एक चीज है जो हम सबको एकता के सूत्र में बांधती है। इसलिए